शामिल होंगे एमएलए लक्ष्मण नापा और दिल्ली में आज शाम 4 बजे वो कांग्रेस से ज्वाइन करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके ज्वाइनिंग कराएंगे। बीजेपी ने रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काटा है। सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने उनकी जगह पर उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक बगावती तेवर भी दिखाते नजर आ रहे हैं विधायक। और इसी बीच टिकट कटने से नाराज रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया है और आज शाम को वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। काफी जल्दबाजी में उन्होंने ये फैसला करते हुए अपनी जो नई ट्रेन है उसकी रफ्तार को भी पकड़ने की कोशिश कर ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सूची सामने आई वहां से उन्होंने सीधा इस्तीफा दिया और उसके बाद अब आज शाम को वो कांग्रेस में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो लगातार बगावती तेवर भी अब दिखने लगे हैं। सुखविंदर मांडी जो हैं वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। करण देव कंबोज को आपने अभी भी सुना ही, इस्तीफा वो दे चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, खासे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। और ऐसे में उनका कहना यह है कि लगातार उन्हें फोन कॉल्स आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं और दूसरी पार्टी में जाने पर अभी वो विचार कर रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, जो उनके समर्थक चाहेंगे उस दिशा में वो अब चल पड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल लक्ष्मण नापा कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज शाम को वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि उनका टिकट सुनीता दुग्गल को दे दिया गया है। उनकी जगह पर सुनीता दुग्गल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बढ़ते आगे, उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 16 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि होगी। मतदान 5 अक्टूबर को होंगे, मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही के साथ पहले ही दिन दुष्यंत चौटाला अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे। हरियाणा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं, 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और परिणाम सामने आ जाएंगे। सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, तैयारी में जुट चुकी हैं। नामांकन के चलते अब जो सिलसिला देखा जाएगा रोड शो का, वो भी अपने आप में अलग ही रोड शो होंगे। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे